त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्तिमामृतात्। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। दसवां ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूरा हो गया। गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड करते हुए आज मेरा पूरा हो चुका है 350 दिन। जी हाँ, 365 दिन का एक साल होता है, जिसमें से 350 दिन हो गया है। और 350वें दिन में हम हैं अभी महाकाल की नगरी उज्जैन में, और महाकाल का मंदिर है कुछ ही दूरी पे। दर्शन करने के लिए आए थे ज्योतिर्लिंग का। कल रात में रूम का व्यवस्था हो गया था कैसे कैसे करके, तो यहाँ पर रुके थे। सुबह सुबह 4 बजे उठ के नहा धोहा करके फ्रेश हो चुके हैं और चल रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। तो महाकाल का जब हम दर्शन करेंगे तो हमारा 10वां ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूरा हो जाएगा, उसके बाद ओमकारेश्वर। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। चलिए दर्शन करते हैं, अपना सफ़र को शुरू करते हैं। अभी जो है ना, फाइनली देखो चंदन टीका लगवा करके, मतलब यहाँ पर अच्छा लगता है थोड़ा सा। और मंदिर के परिसर में आ चुके हैं। महाकाल का मंदिर मात्र 200 मीटर की दूरी पे है, पता नहीं वहाँ पे करने दे या नहीं, लेकिन जा रहे हैं अभी और जल्दी ही दर्शन कर लेंगे। बाकी देखते हैं भीड़ कितना है और जितना कुछ हो पाएगा उतना आपको दिखाएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गाइस तो लाइन में अभी लगे हुए हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। वाह, बहुत ज़्यादा, कम से कम 1000-2000 लोग तो होगा लाइन में पूरा कर सकते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्तिमामृतात्। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। दसवां ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूरा हो गया। चलिए अपने सफर को कंटिन्यू रखते हैं। हर हर महादेव। ऐसे तो दर्शन करके यहाँ पे हम जा रहे हैं अपने वापस उसी रूम के पास, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटी देखने के लिए मिला। वो हो रहा है
सिप्रा नदी का पूजा हो रहा है धूमधाम से, बहुत ही अलग तरह के संस्कृति के साथ में। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पूजा हो रहा है, और यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे पूजा भी हो रहा है। देखिए कलश उलश लगा के यहाँ पे पूजा किया जा रहा है, और बहुत ही खूबसूरत तरीका से। चलो आज सिप्रा नदी भी देख रहे हैं। ये है सिप्रा नदी, उज्जैन पूरा जो है सिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है, और मजा आया देख करके घूम करके। और यहाँ पे नया तरह का संस्कृति जो पूजा यहाँ पे हो रहा है, कलश यात्रा निकाली जा रही है, सिप्रा नदी का आरती किया जा रहा है, वो चीज़ यहाँ पे हो रहा है। पूरा धूमधाम से आरती वगैरह निकाला जाएगा, और अभी ये सारा माहौल है यहाँ का। उज्जैन, उज्जैन की नगरी में स्वागत है आपका। उज्जैन दर्शन वर्शन करने के बाद जा रहे थे रूम पे, तो भूख भी तेज का लग गया, और सुबह का 9:30 बज चुका है, सवेरे 4 ही बजे उठे थे। इस वजह से एक दुकान मिला तो पोहा ले लिए हैं, ये 20 रुपया का पोहा खा लेते हैं, फिर चलते चलते अगर कुछ मिलेगा रास्ते में तो खाएंगे पोहा 20 रुपये का। गाइस तो सीधे मिल रहा हूँ शाम के 6 बजे, सवेरे 9-10 बजे के आसपास में महाकाल का दर्शन करने के बाद हमने पोहा खाया था, नाश्ता किया था, और अभी तक शाम हो चुका है, एक भी बार खाना नहीं खाया और रुके हुए हैं रूम में ही। इसका रीज़न ये है कि हमने जब दर्शन किया एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, और साइकिलिंग भी किया था, ठंड के वजह से सवेरे सवेरे स्नान किया, थोड़ा बुखार जैसा आ गया था, तबीयत ख़राब लग रहा था, तो इस वजह से रूम में ही यहाँ रुक गए। तो आज यहीं रुकेंगे, चलते हैं मार्केट में, कुछ खाना वाना खाएंगे और दवाई ववाई खा के सो जाएंगे, कल सवेरे अपने राइड को स्टार्ट करेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो यही अभी है, अभी देखो रूम में ही है, और यहाँ पे नागेश्वर भाई भी है, तो क्यों कल चलेंगे ना? यस, कल राइड को स्टार्ट कर लेंगे, तो फिर फिलहाल अभी चलते हैं और नाश्ता मतलब खाना खाते हैं। कभी कभी वैसा हमारे साथ होता रहता है, ट्रेवलर हैं तो इस बात की कोई ऐसा बात नहीं कि अभी खाना खा रहे हो या खा रहे हो, होता रहता है हमारे साथ, जब यात्रा करना है, कुछ ट्रेवल करना है, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, तो इस वजह से चलते हैं मार्केट खाना खाने के लिए। फाइनली एक होटल में आ चुके हैं, और ये है खाना, ये खाना का लगा है मुझे 100 रुपये प्लेट, 100 रुपये में अनलिमिटेड है, और इसके साथ में कुछ सब्जी है, कुछ कढ़ी है, कुछ सेव टमाटर का सब्जी है, 2 प्याज और अचार और ये रोटी। तो खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाना जब तक नहीं खाएंगे जब तक गा नहीं पाएंगे गाना। खा लेते हैं खाना। दिल घूमने का मोहताज नहीं है, एक समय थे हमारे वो जीने की वजह, चले गया अगर जीने का वजूद ही नहीं है, लिख देता सारे मेरे पास ले जो दरमिया मेरे पीछे नहीं है, ये खेल खेले मैंने बहुत पहले टीका दे दिया सब, अब दिल मेरा कमजोर। खाना वाना खा करके आ चुके हैं फाइनली अपने रूम में, मतलब लिया हुआ भाड़ा वाला रूम में, और आज के ब्लॉग को इन कर देते हैं, मिलेंगे कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय।